मध्य प्रदेश में वन विभाग की गलती का खामियाजा अब 6592 वन रक्षकों को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने वन कर्मचारियों पर करीब 165 करोड़ की रिकवरी निकाली है। इसके लिए विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया है। प्रत्येक वन आरक्षकों से 1,29,000 रुपए की वसूली की जाएगी। यह रकम 6592 वन रक्षकों से सरकार ब्याज समेत वापस लेगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। वही मामले को लेकर कर्मचारी संघ ने वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के नाम ज्ञापन सौंपा और वसूली के आदेश को स्थगित करने की मांग की। हमारी मांग जो है, मेन मांग है 5680 वाली। वन रक्षक ने भर्ती हुआ और उसके बाद उसको 1900 और उसके बाद ट्रेनिंग की तो उसको 5680, ये क्या है? सरकार को चाहिए था पहले से उसको सुलझा के रखना चाहिए था। आज जब कोरोना में मामला गया तो वसूली चालू कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक वन रक्षक का कम से कम 10-10 लाख, 8-8 लाख, 10-15 लाख रुपये वसूली जाएगी, क्या खाएगा वो? तो हम ये चाहते हैं कि वसूली तत्काल रोक लगाई जाए। और हमने माननीय विधायक जी, माननीय वन मंत्री जी की सबको ज्ञापन सौंपा है और हमने उनसे अनुरोध किया कि इस पर रोक लगा दें और तत्काल इसमें जाँच करें। और कर्मचारी कहाँ से दोषी हुआ? वो लोग दोषी हैं जो जिन्होंने गलत किया है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी कह रही है कि किसी भी कर्मचारी की वसूली नहीं की जाएगी, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से गलती हुई, जिसकी भी गलती हो, लेकिन गलत तो हम नहीं मान रहे। हम ट्रेनिंग के बाद अगर हमें, हमारे साथ जो भर्ती हुआ उसको अगर 5680 दिया जा रहा है और जो अभी आया है उसको 1900 का दिया जा रहा है, ये गलत है। इसमें विसंगति हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सुलझानी चाहिए थी और नहीं सुलझी, तो इसको सुलझाएं, सुलझा कर किसे करें, लेकिन वसूली रोक पर रोक लगी जाए, अन्यथा आंदोलन के लिए तैयार रहें। हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगी, मरेंगे या मारेंगे, यही होगा क्लियर। और हम अगर मैदान में कूदे उसके बाद तो फिर जो होना होगा होगा ही। क्या ब्याज सहित वसूलने की तैयारी कर रहे हैं? ब्याज सहित मांग रहे हैं। कई जगह हमारे रतलाम में कई जगह इन लोगों को दे दिया है, नोटिस दे दिया है, इस पर रोक लगना चाहिए। अपना नाम बताइए। आमोद तिवारी, प्रदेश महामंत्री वन कर्मचारी संघ। यही गलतियों की सरकार है, इसके हर विभाग में गलती करप्शन के लिए की जाती है। एक ही काम है, 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा लो, 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा लो और अपनी मनमानी, अपनी विचार को डेवलप करने के लिए जनता को कर्ज के बोझ में डुबो दो। ये अनियमितता नहीं है, ये करप्शन है। इसमें उस समय के मंत्रियों को, आज के समय के मंत्रियों को पनिशमेंट होना चाहिए और उनका अगर कोई वेतन भत्ता मिलना चाहिए जो वन विभाग में थे और देते रहे तो वो भी लेना चाहिए।